हूँ आपके साथ शिरीन और देखिए तैयार हूँ अपने ट्रैक्टर के साथ क्योंकि जानना है हमें राजस्थान का एम फैक्टर। बताएंगे आपको यहाँ की महिलाओं के मन की बात। आज राजस्थान के गोल्डन सिटी के नाम से जाने जाने वाली जैसलमेर जिले में मैं मौजूद हूँ, आपको बताएंगे। और इसके साथ ही मेरे साथ मेरी दो और सहयोगी स्नेहलता और पूजा सचदेवा, आपको लिए चलेंगे उनके पास भी। लेकिन सबसे पहले जरा जैसलमेर की महिलाओं के मन का मिजाज क्या कहता है ये जान लेते हैं। तो आइए मेरे साथ और चलते हैं उस एम फैक्टर को खंगालने के लिए। इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ जैसलमेर अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये ऐतिहासिक धरोहरों को समेटे हुए जो भी भारत आता है वो राजस्थान के जैसलमेर जरूर आता है। पीले बलुआ पत्थरों पर बसा हुआ ये जिला ये शहर अपने आप में लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ रहता है। मिली जुली आबादी वाला ये जैसलमेर जहाँ पर अगर हम बात करें तो पर्यटन एक बहुत बड़ा लोगों के लिए व्यवसाय का एक जरिया बना हुआ है। अब यहाँ पर आखिर दिक्कतें लोगों के बीच क्या है वो तो महिलाओं के बीच हम जब जाएंगे तभी मालूम पड़ेगा। देखिए एम फैक्टर का मतलब ये हुआ कि महिलाएं, और ये इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सभी पार्टियों को महिलाओं का वोट चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है कि आखिर महिलाओं को क्या चाहिए, उनके मन में क्या है, किससे खुश हैं किससे ना खुश हैं, शिकायतें उनकी क्या है। कांग्रेस सरकार है यहाँ पर राजस्थान में, काम कर रही है। अशोक गहलोत जी काम कर रहे हैं, पसंद है आपको? कोई शिकायत उनसे? शिकायत कहीं को नहीं, अशोक फोन दिया है। फोन मिला है? हाँ फोन मिले, बेसवार तनखा दे, पेंशन दे, सब दे। अशोक जी महिला आरक्षण बिल के बारे में सुना है आपने? सुना है। नारी शक्ति वंदन शक्ति हाँ सुना है। क्या लगता है आपको, होना चाहिए था, हुआ है, अच्छी बात? हाँ होना चाहिए, महिला को भी मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, उसके बराबर का हक है ना महिला को भी, जो जेंट्स को मिलता वो लेडीज महिला को लेडीज को भी मिलना चाहिए ना। मुझे बताइए कि इस बार अभी तो राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी होने, पीएम चुने जाएंगे, तो कौन चुना जाएगा आपके हिसाब से, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री वही अभी है, वही होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी। हाँ जी। और यहाँ राज्य में? राज्य में अशोक जी। अच्छा, मतलब राज्य में कांग्रेस और वहाँ पर आपको चाहिए बीजेपी? हाँ, जो हमारे प्रधानमंत्री जी इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। हाँ, मातृ वंदना के लेके पहली डिलीवरी से सेकंड डिलीवरी तक इन्होंने पैसे दिए। ये बताइए कि इस बार गहलोत सरकार ने काम किया है? नहीं किया, राशन कार्ड भी चुड़ मन की नहीं मिले, नहीं मन फोन लेना मन की नहीं सुनता। आप बताइए काम किया है सरकार ने? नहीं कुछ नहीं किया है। क्या चाहती हैं आप? चाहते क्या? बदलाव हो राज्य में, नई सरकार आए, क्या बदलाव ही चाहिए हमें? मोदी जी बीजेपी चाहिए। बीजेपी चाहिए? हाँ। क्यों, बीजेपी ने क्या? बीजेपी हर चीज थोड़ी बहुत जैसे पूरी आती है पीछे से, लेकिन हमें थोड़ी बहुत तो मिलती है। अच्छा ये बताइए गहलोत जी या नरेंद्र मोदी जी? नरेंद्र मोदी जी सही कर रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, अभी सही कर रहे हैं, अभी सही कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आपको कौन चाहिए, एक नाम अगर? हाँ सब आपको मोदी सही कर रहे हैं, सही चाहिए, सही जो करेगा जो ही चाहिए। ये एक पेट बाजार जैसा है जहाँ पर लगभग मुझे हर दुकान में देखिए महिलाएं ही नजर आ रही हैं। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं आपके, काम कैसा कर? अभी तो हमको किट मिले और लड़कियों को बालिका को फोन दिए और हमारी सुविधा कुछ भी नहीं। मोदी जी पसंद है? हाँ। कैसे लगते हैं, काम कर रहे हैं? हाँ बहुत काम कर रहे हैं मोदी जी, बहुत सुविधा कर रहे हैं हमारी। बताइए कि चुनाव आ रहे हैं, वोट डालती होंगी? अब लगने वाला है। अच्छा इस बार पहली वोटर हैं आप? पहली बार है। तो पहला वोटर कहते हैं कि उसको बड़ी एक्साइटमेंट रहती है, आपको भी होगी? हाँ। अच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी कहते हैं कि मैं तो अपनी महिलाओं के लिए, अपनी बेटियों के लिए, माताओं के लिए, सब लोगों के लिए बहुत काम कर रहा हूँ, भरोसा होता है इस बात पे? इस बात पे अभी तक तो कुछ हमारे लिए तो ऐसा कुछ है नहीं, देखते हैं, नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पसंद ज्यादा कौन है? ज्यादा तो मोदी जी है। मोदी जी आप लोगों को ज्यादा पसंद है या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी? क्योंकि उन्होंने ना हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ किया है। महिलाओं को संसद में 33% उनकी सीटें जो है वो आरक्षित कर दी है, मतलब उतनी चाहिए महिलाएं संसद में, क्या लग रहा है होना चाहिए था? ये होना चाहिए, और जैसे कि आप बोल रहे हो अभी आरक्षण,
तो एग्जाम्पल ये रही मेरी बहन, जो मतलब है ना कॉलेज के बारे में इससे बोला गया था कि आप है ना फॉर्म भरो, इसे बेवजह 10 दिन धक्के खिलाया, जब इसका नंबर आया तब किसी और को बिठा दिया इसकी सीट पे, ये गलत है। कृष्णवंशी राजा जैसल का बसाया हुआ ये शहर जैसलमेर, जहां पर भाटी राजपूतों की संख्या सबसे ज्यादा है। लोगों के अपने अलग मुद्दे हैं, अपनी अलग उनकी मांगे हैं, लेकिन बात जब हम इस इलाके की करते हैं, देखिए जो जैसलमेर है वो मारवाड़ इलाके में आता है, और मारवाड़ आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं। तो बात जब इस राज्य की होती है तो उनके जुबान पर नाम होता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, लेकिन जैसे ही आप उनसे बात करते हैं केंद्र की यानी कि दिल्ली की गद्दी पर कौन उन्हें पसंद है तो नाम होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो फिलहाल राजस्थान के कुछ और जिलों का हाल मैं आपको बताऊंगी इस ट्रैक्टर के जरिए, एम फैक्टर हम आपको दिखाएंगे। अभी आपको लिए चलते हैं स्नेहलता के पास जो मध्य प्रदेश के विदिशा में मौजूद है। बेतवा बेंस दो नदी है और बेतवा के किनारे मैं इस वक्त खड़ी हूँ। ये दोनों नदियाँ मालवा के क्षेत्र को बहुत उपजाऊ बनाती हैं और ये पूरा रेंज शरबती गेहूं के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इतिहास मैंने आपको बताया ही कि काफी पुराना है, रामायण काल से जिक्र मिलता है विदिशा का, और सम्राट अशोक के लिए भी जिक्र मिलता है, उन्होंने राज्यपाल की भूमिका निभाई, उनकी ससुराल भी है। अब यहां की राजनीति अगर आप देखें तो बीजेपी का दबदबा है, 5 विधानसभा सीटें हैं जिसमें मौजूदा वक्त में विदिशा, सिर्फ एक विदिशा को कांग्रेस ने 45 सालों बाद हरा करके अपना कब्जा किया, बाकी चारों सीटों पर बीजेपी ही बीजेपी है। लेकिन आने वाले वक्त में लगभग 7 लाख वोटर हैं जो महिलाएं हैं, वो डिसाइड करेंगी, एम फैक्टर डिसाइड करेगा कि अब विदिशा की गद्दी पर कौन। मोदी जी को पहचानती हूँ जी, पहचानते हैं। और शिवराज सिंह चौहान को? उन्हें पहचानते हैं। पहचानते हैं अच्छे से? पहचानते बहुत अच्छे से। कैसे पहचानते हैं? वो सीएम साहब हैं, अच्छा काम करती हैं इसलिए पहचानते हैं। मोदी जी भी अच्छा करते हैं, सीएम साहब भी अच्छा करते हैं, सबके लिए कितनी व्यवस्था तो कर रहे हैं हर चीज की, लोगों के लिए घर के लिए कुटी दी है, गैस सिलेंडर दिया है, सब कुछ तो दे रहे हैं, 1000 रुपए वो देने लगे, हर चीज से साथ दे रहे हैं इसलिए। क्या क्या हुआ है जरा बताओ? लोगों के घर बन गए, नल लग गए, घर दे दिए लोगों को, हमें कुछ। इतनी नाइंसाफी कैसे हो गई? नहीं, हमारा पहले से बना था। मोदी जी को पहचानते हो? पहचानते हैं। उनका काम काज कैसा लगता है? अच्छा है काम। क्या फायदा हुआ है तुम्हारे यहाँ पे, लोगों का विकास हुआ? फायदा कर रहा हूँ मैं, सबके मकान बनवा, 1000 रुपये बांट रहे हैं सब। अच्छा, गरीबी हटा दी सब। आपको सरकार से कुछ फायदा मिला दीदी? मिल रहा है। आप बताओ, सच्ची सच्ची बताओ, आप क्या सोच हर चीज पे महंगाई बढ़ा रही है, पेट्रोल डीजल अब सब पे ही तो चल रहा। चुनाव नजदीक आ रहा है पता है आपको? हाँ। तो क्या ऐसा क्या होगा, घर वालों से पूछ के वोट करेंगे कि अपनी मर्जी से जाएंगे? अपनी मर्जी से ही देंगे। एम फैक्टर मध्य प्रदेश विदिशा, और विदिशा में सुषमा स्वराज आती हैं, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों का नाम, अटल बिहारी वाजपेयी भी आपके यहाँ से जीतते हैं, विदिशा में थोड़ी राजनीति तो घुली है यहाँ की हवा? हाँ हुई है, है ना? लेकिन ये बताइए विदिशा को क्या मिला है, साल दर साल इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता आपके यहाँ से आए, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ है, ऐसा नहीं कुछ बहुत कुछ बदला है। क्या क्या बदला है? काफी सड़कें देखो अभी कितनी अच्छी सफाई हो रही है, बदलाव
किसकी वजह से? मोदी जी के बारे में क्या सोचती हैं? मोदी जी तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अब काफी उन्हें करा है मोदी जी ने, तो उन्हें लेकर के क्या सोच रही हैं कि वो ठीक है एज अ प्राइम मिनिस्टर या कुछ और सोच? ठीक है बताओ, वो ठीक है। हाँ जी, भाई स्कूटी चलाने वाली महिलाओं को देख लिया, वो जमाना है, लेकिन ऐसी लड़कियां हैं विदिशा में जो कि स्प्लेंडर हीरो, कौन सी है? स्प्लेंडर, स्प्लेंडर चला रही हैं। गुड़िया सब स्कूटी, तुम्हें स्प्लेंडर? जी। चलाना कहाँ से सीखा? पापा जी से। अच्छा ये बताओ सरकार कैसी चला रहे हैं शिवराज जी? अच्छी चला रहे हैं। अच्छी है? हाँ। कॉन्फिडेंस इतना कैसे? से भाई जी, अब सरकार मोदी जी कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। क्या किया उन्होंने कि बहुत अच्छे लगते हैं? मैम महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए हैं, उज्ज्वला योजना, लाडली बहना योजना जो चल रही है, तो उन्होंने प्रोत्साहन दिया है महिलाओं के लिए। गवर्नमेंट से और क्या उम्मीद है? मैम सरकार को ऐसे कदम उठाना चाहिए जो महिलाओं के खिलाफ वो हो रहे हैं, जैसे उनको लेके महिलाओं को जो अपराध हो रहे हैं उनके लिए कोई कड़ा कानून बनाना चाहिए सर। तो ये थी स्नेहलता की रिपोर्ट एम्पैक्टर को लेकर विदिशा से, महिलाओं की सोच सामने आ गई। लिए चलते महासमुंद और छत्तीसगढ़ में पूजा है, समझेंगे महासमुंद से क्या है एम्पैक्टर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में, जहां से छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी सांसद थे। यहां एक लोकसभा की सीट है, चार विधानसभा की सीटें हैं। ऐसे में यहां का एम फैक्टर क्या कहता है, आइए समझते हैं। देखिए महासमुंद में चार विधानसभा की सीटें हैं और चारों पर ही कांग्रेस का कब्जा है और एक लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। यानी कि केंद्र में चुनाव तो भरोसा बीजेपी पर और विधानसभा के चुनाव तो भरोसा कांग्रेस पर, लेकिन इस बार क्या यही रहेगा मिजाज या होगा बदलाव? बढ़िया चल रहा है सब महासमुंद में? चल रहा है। हाँ। मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। और मोदी जी? अब मोदी भी कराते हैं। अच्छा। मोदी भी कराते हैं। ज्यादा बढ़िया कौन लग रहा है? दोनों लग रहे हैं, दोनों हैं। वोट डालने जाएंगी? बिल्कुल जाएंगे, अपना वोट नहीं गवाएंगे हम, अपना जिम्मेदारी है वोट। हाँ। सरकार बनाना है। वोट डालती है? हाँ डालती है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं क्या? हाँ कर रहे ना। भूपेश बघेल कैसा काम कर रहे हैं यहाँ पर? ठीक नजर आ रहा है सब चीज, ये कैंटीन बना पीछे अभी न्यू और बस भी मिल रहा है हम लोग को सुविधा। मोदी जी कैसा काम करते हैं? वो भी सही है। ज्यादा बेहतर कौन करता है क्या लगता है आपको? दोनों अपनी जगह पे सही है। वोट डालती हैं? यस मैम डालती हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या सोचकर वोट डालती हैं? कुछ देश का कर सके, मतलब डेवलपमेंट हो सके उसके लिए। अच्छा भूपेश बघेल कैसा काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में? ठीक कर रहे हैं, लेकिन मेरे क्या मतलब नॉलेज के लिए तो मेरे को कहीं नॉलेज ही नहीं दिख रहा है, बाकी सब ठीक दिख रहा है। यानी कि एजुकेशन का लेवल और अच्छा होना चाहिए? हाँ और अच्छा होना चाहिए। हम देखते हैं तो हमारे महासमुंद में कहीं पे भी लाइब्रेरी नहीं है। अच्छा आप वोट डालती हैं? हाँ इस साल फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है तो क्या सोच कर वोट करेंगी? कि अच्छे वाले जो नेता रहेंगे वो हमारे वही शिक्षा नीति को अच्छे से बढ़ावा देकर। तो मोदी जी पर भरोसा है या भूपेश बघेल पर भरोसा है? मोदी जी पर। मतलब सब मिले मैडम, घर मिलता है, क्या मिलता है? घर मिले है, सेफ्टी मिले है। तो क्या सोच के वो डालेंगी? जे हमार सुरक्षा करीते कर मैं डालबो। यहाँ पर सुरक्षा हो रही है छत्तीसगढ़ में? कहाँ मैडम, यहाँ पानी सबसे तंग आई है, पूरा पानी तंग आई है, मन पर घर भरथन मैडम पानी। पानी नहीं आता घर ना पूरा? हाँ नल लगे है लेकिन हमारे घर पानी नहीं है। सब ठीक है, बढ़िया बढ़िया है। हाँ कोई दिक्कत परेशानी? नहीं 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 कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ। बहुत अच्छा है, मोदी जी भी बहुत अच्छे हैं, सभी प्रकार का लाभ मिल रहा है हम लोगों को। क्या सोचकर वोट डालेंगे उनके काम पर? जी जो अच्छा ही चलाएंगे उन्हीं को तो फिर पब्लिक चुनेंगे, है ना। यहाँ की महिलाएं मोदी जी को बहुत पसंद करती हैं, उनके चेहरे को, ऐसा क्यों? अब उनके काम को ही देख के ही तो पसंद ही करेंगे सब, है ना। हाँ जो वादे किए थे आपसे, वादे पूरे किए किसी ने? नहीं नहीं पूरे किए। क्या वादे किए थे? बहुत सारा वादा किया है, कुछ तो पूरा हुआ नहीं है। घर नहीं मिला है, गैस सिलेंडर नहीं मिला है, घर का ज्यादा जरूरी है हम लोग का, रहने में बहुत तकलीफ हो रहा है हम लोग को। गैस सिलेंडर का कितना दाम हो गया है?
1200 रुपया। पहले कितना था? 500-800 तक था, लेकिन साल भर में 200 से ज्यादा हो गया है। दारू बंद होना चाहिए। दारू बंद? हाँ, वादा तो किया था क्या माइंड कि बंद करेंगे, वो करेंगे, बस बंद नहीं हो रहा है। पूरा दारू बंद होना चाहिए कि जगह जगह दारू बेच रहे हैं। जेंट्स लोग को तो परेशानी नहीं होता, लेडीज लोग को परेशानी होती है। महासमुंद में कैसा काम हो रहा है? सरकार अच्छा काम कर रही है? चल रहा है ठीक। बढ़िया चल रहा है या ठीक ठीक चल रहा है? ठीक ठीक चल रहा है, एकदम कम भी नहीं एकदम ज्यादा भी नहीं। काम किसने किया, कौन सी सरकार ने किया? भाजपा सरकार ज्यादा की है, कांग्रेस भी की है। हम किसको उच्च किसको नीच बोलेंगे। हाँ। काम तो सभी कर रहे हैं। वोट डालने जाती हैं? हाँ जाते हैं। तो वोट सर बताते हैं किसको डालना है या खुद डालते? खुद डालती हूँ मैं अपने। क्या सोच कर वोट करती हैं? क्या सोच के करते हैं? सरकार ठीक हो, काम अच्छा हो, इसलिए वोट डाल। अच्छा एक बात बताइए कि महासमुंद में सरकार ने कुछ काम किया है? ग्रोथ तो हुआ है, बाय द वे अभी बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बहुत पहले से ही। ज्यादा हुआ है क्या, और होना चाहिए अभी? We are wanting for roads. सड़क बननी चाहिए। बननी चाहिए, जो इतना सारा गड्ढे गड्ढे हैं वो तो बननी चाहिए ना। कि महिला आरक्षण बिल पता है आपको, अभी अभी आया है, देश की महिलाएं राजनीति में जाएंगी, तो वो अच्छा है या कैसा? अच्छा है मैम, अच्छा है, अच्छा है। तो उससे आम लोगों पर कुछ फर्क पड़ेगा, आम महिलाओं पर? हाँ मैम, उनकी डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि दे विल बेटर अंडरस्टैंड ना उन सारी चीजों को, तो इट्स गुड। प्रधानमंत्री की एक योजना है कौशल विकास योजना, जिसमें युवाओं को रोजगार मिलता है, उसका आपको पता है कुछ फायदा हो रहा है यहाँ के युवाओं? हमारे बच्चे को तो एक भी फायदा नहीं मिला है अभी, और इंजीनियरिंग करवाए हैं इसी उम्मीद पे है कि कभी ना कभी तो रोजगार मिलेगा, मगर थोड़ी निराशा। भूपेश बघेल की योजनाओं का फायदा मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। महासमुंद की राजनीति में वैसे तो किसान निर्णायक भूमिका में होते हैं, लेकिन यहाँ पर महिलाओं से बात करके हमने जाना कि यहाँ का एम फैक्टर भी बहुत मजबूत है, क्योंकि यहाँ पर पुरुष वोटर से ज्यादा संख्या है महिला वोटर्स की। आज के लिए इतना ही, कल आपसे हम तीनों की फिर होगी मुलाकात ट्रैक्टर पर, 3 जिलों के एम फैक्टर के साथ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।